बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज रास आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र 2022 का पेपर देने वाले हैं और वो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में है, तो उनके लिए हम लेके आए हैं बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए जूलॉजी का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर हमने पहले से अपलोड कर रखा है और थर्ड पेपर हम हाल ही में अपलोड करने वाले हैं। मतलब कि आपको वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके पेपर में छप रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। मतलब कि आपको टॉप करना है, 2022 के टॉपर बनना है ना, तो प्लीज यार अभी चल पेपर हैकर को सब्सक्राइब करिए। और एक हमारा एक न्यू चैनल हमने लोगों ने लॉन्च किया है, उस चैनल का नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड को, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और गिवे वहां चल रहा है तो गिवे का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर विजिट कर लेना एक बार, कोई इशू नहीं है, शायद आपकी किस्मत चमक जाए, हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है वहां, तो चैनल को वहां सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, वहां गिवे पर भी एक बार अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें। आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, जीमेल से, अपने फेसबुक से, या फिर अपने यूट्यूब चैनल से, किसी से भी कर सकते हैं, एनी वे ट्विटर से भी कर सकते हैं, उस पर भी गिवे पे थोड़ा सा भाग नहीं दीजिए, हो सकता है आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंजेस हो जाए, आपकी किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, तो आपको वो इनाम मिल सकता है। चैनल को जरूर एक बार गिवे पर रजिस्ट्रेशन कर लेना और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जानते हैं खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड को। ओके, अब यहाँ बात करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है। देखियो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, मतलब कोशिका जो आप देख रहे हैं, जो सेल्स बने होते हैं कोशिका, प्लांट की जो कोशिका का आंतरिक संरचना, मतलब कि अंदर की संरचना कैसी दिखाई देती है। ओके, उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, गल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य क्या होते हैं, मतलब गल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, गल्जी ने खोज की थी गल्जी कॉम्प्लेक्स की, तो उसके कार्य क्या है, वर्क क्या है, यह बात करेंगे। जीन की अन्योन क्रियाओं को याद कर लेना, जो बॉक्स में मैं आपको बंद कर रहा हूँ वही क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, बाकी फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि आप 2022 के टॉपर बनने वाले। ओके, उसके बाद में केंद्रक की संरचना के बारे में और क्रोमोसोम्स जिसे गुणसूत्र बोलते हैं और राइजोसोम्स, इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ये केंद्रक के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। और जैव विकास के बारे में आप देख लेना, ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन होता है उसके बाद। ओके, उसके बाद में आता है यूकेरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपसे अंतर पूछ लेता है, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार पढ़ के जाइए। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसके, ये कोशिका के दो विभाजन होते हैं, एक होता है सूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि ये पेपर में छपेगा कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो आपको दो टाइप्स होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन, दोनों से आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद में मेंडल के तीनों नियम को आपको पढ़ के जाना है, मेंडल के तीन नियम, मेंडल ने तीन नियम दिए थे, तीनों नियम को अच्छे तरीके से आपको रट लेना है क्योंकि ये पेपर में आपके छप रहा है। उसके बाद में आता है ये वाला जो देख रहे हैं, मनोदित्व और जलोदित्व, ये दोनों ऐसे पढ़ लेना है जैसे कि आपको कुछ भी याद ही ना हो, लेकिन ये याद होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में हर साल छपते हैं, ठीक है। और हेरिवियन वर्ग का सिद्धांत के बारे में आप देख लेंगे, हेरिवियन वर्ग के सिद्धांत के बारे में, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो म्यूटेशन के प्रकार अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी है वीर भादर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, उसमें पूछे गए थे, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम क्या होता है आप ये पढ़ेंगे, जीन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और पादप अनुक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाइड्रोसियर का वर्ण इसको छोड़ दीजिएगा, और मरुदित परिस्थिति के अनुकूलन के बारे में ये मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ मरुदित क्या है, पढ़ेंगे इसको। माइटोकैंडेलिया के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखो लिम्फेब्रस कोश क्रोमोसोम और लार ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या होती है, लार ग्रंथि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिम्फेब्रस जो कह सकते हैं क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जीन इंजीनियरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद में बी क्रोमोसोम मतलब कि बी गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, और गुणसूत्र विपतन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र विपतन। ओके, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है, हरित लवक क्या होते हैं यह पढ़ेंगे, नाइट्रोजन चक्र को पढ़ लेना है, क्रॉस चक्र को पढ़ लेना है, टैक्स क्रॉस को पढ़ लेना है, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है इसको, जीनोटाइप को भी पढ़ लेना है एक बार, और उसके बाद में आता है पॉलीप्लेनेटाइड का जैविक विकास का महत्व को छोड़ देना है, कार्बन चक्र क्या होते हैं, कार्बन चक्र को पढ़ेंगे, जो जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है। और देखो यहाँ आपको बात की जाए लैमार्क व्याद क्या होता है, नव लैमार्क वाद, डार्विन वाद, नव लैमार्क, डार्विन वाद की आलोचना और लैमार्क के सिद्धांत के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में आता है कि आपको खाद जाल क्या होता है, खाद फूड क्या होता है, ये शॉर्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पैरामिंड क्या है, ऊर्जा का पैरामिंड के बारे में बताइए, ठीक है। बहुवर्ता के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं। उसके बाद में आता है ये देखो जीन प्रेरित जीन इफेक्ट क्या होता है, उत्प्रेरित उत्परिवर्तन के बारे में पूछता है कि जीन उत्परिवर्तन प्रेरित जीन उत्परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना पौधों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, प्राथमिक उत्पादकता को छोड़ देना या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट को पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है आप ये पढ़ लेना है बस। ये जब क्वेश्चनों को आप पढ़ोगे आप कहोगे खुद के पेपर हैकर में जो सर ने बताए थे वही क्वेश्चन सारे के सारे आए। और आइडियोलॉजी हो सके तो कह सकते हैं
और टाइकोलॉजी के बारे में पढ़ लेना क्या होता है, बस इतने क्वेश्चन पढ़ना है। 2022 में आप टॉपर बनने वाले हैं। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, और हाँ जो मैंने अभी चैनल को दूसरा जो बनाया है हम लोगों ने, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।